हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट हैबिट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन दिस इज पार्ट थ्री वीडियो इन विच वी विल लर्न अबाउट टिक्स डिसऑर्डर तो टिक्स होता क्या है रिपीटिटिव मूवमेंट होती है जो हमारी मसल्स हैं वो फेस नेक हैंड शोल्डर और द ट्रंक तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे चिल्ड्रन क्या करते हैं जब बात करते हैं तो आइज का ब्लिंक करते हैं लिप्स मैकिंग करते हैं या फिर कोई एब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं रिपीट एंड रिपीट तो उसको हम क्या बोलते हैं टिक्स इट इज अ रिपीटिटिव मूवमेंट ऑफ द मसल ग्रुप ऑफ फेस नेक हैंड्स शोल्डर एंड ट्रंक फॉर एग्जाम्पल ऑफ टिक्स आर लिप्स मैकिंग ग्रीमेसिंग टंग थ्रस्टिंग आई ब्लिंकिंग थ्रोट क्लियरिंग टिक्स दीज आर सडन रिपीटेटिव नॉन रिदमिक स्टीरियोटाइप मोटर मूवमेंट और वोकलाइजेशन दैट मीनस साउंड का भी यूज होगा इनवॉलिंग डिस्क्रीट मसल ग्रुप तो यह क्या होते हैं सडन है, है पर्सन रिपीट करेगा या तो उसकी मोटर एक्टिविटी होगी या फिर उसकी वर्बल एक्टिविटी होगी वोकलाइजेशन होगी नॉन रिदमिक है बिना रिदम के कभी कुछ सेकंड के अंदर तो एज ए पर्सन क्या करेगा रिपीटेटिव एक्टिव करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं टिक्स नाउ वी विल लॉर्न द टाइप ऑफ टिक्स को हम टू टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सिंपल टिक्स का मतलब क्या है कि जो मसल ग्रुप मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा ना वो एक ही टाइम पे एक मसल का इन्वोल्वमेंट होगा दैट इज सिंपल कॉम्पलेक्स के अंदर टू थ्री मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा मोर देन वन मसल्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग टिक्स सिंपल टिक्स हैं वो टू टाइप्स के मोटर एंड वोकल एंड कॉम्प्लेक्स भी हमारे टू टाइप के मोटर एंड वोकल तो सिंपल टिक्स क्या है सडन ब्रीफ रिपीटिटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यू मसल ग्रुप एंड कॉम्प्लेक्स में क्या है डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेटेड पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व मैनी मसल ग्रुप अब हम बात करेंगे वन बाय वन सिंपल मोटर टिक्स क्या होते हैं मोटर का मतलब क्या है जो हमारी मसल की एक्टिविटी है वो है सिंपल मतलब जो मसल्स ग्रुप है वन मसल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा टिक्स मतलब क्या है रिपीटिटिव स्टीडियोटाइप मूवमेंट होगी तो टिपिकल टिपिकली सडन ब्रीफ मीनिंगलेस मूवमेंट और द साउंडली इन्वॉल्व ओनली वन ग्रुप ऑफ मसल ओनली वन ग्रुप ऑफ मसल्स को इन्वॉल्व होंगे तो वो हमारे होंगे सिंपल मोटर टिक्स एग्जाम्पल है आई ब्लिंकिंग शोल्डर स्गिंग कि कई सारे लोग क्या करते हैं कंधे को ही हिलाते रहते हैं हैड जर्किंग एंड फिंगर फ्लैक्सिंग सेकेंड हमारे सिंपल वोकल टिक्स यूजली यूज ओनली वन मसल ग्रुप जो हमारी वोकल है वोकल का मतलब क्या है फोनिक है फोनिक मतलब साउंड से रिलेटेड है तो होगा वन ग्रुप ऑफ मसल्स का यूज लेकिन जो मसल्स होंगी वो हमारी साउंड की यूज होंगी जैसे स्नीफिंग स्नीफिंग मतलब जैसे छींच मतलब ऐसे करके करना ठीक है जैसे डो करता है ना वैसे थ्रोट क्लियरिंग एंड ग्रंटिंग तो जब साउंड आएगी तो हमारे वोकल टिक्स हो जाएंगे और वन मसल का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए सिंपल वोकल टिक्स नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स मोटर टिक्स कॉम्प्लेक्स मतलब मोर देन वन मसल ग्रुप इज इन्वॉल्व तो टिपिकली मोर पर्पज अपियरिंग मूवमेंट्स दैट लास्ट फॉर रादर लोंगर और यह लोंगर टाइम के लिए होगी एग्जाम्पल है बहुत सारे चिल्ड्रन क्या करते हैं कि कोई भी चीज लेंगे उसको बार बार स्मेल करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट लिया उसको टचिंग ऑब्जेक्ट बार बार किसी भी ऑब्जेक्ट को बार बार टच करना होपिंग फुदकना एंड फ्लैपिंग ऑफ आर्म्स तो मोर देन वन मसल्स वेन दे आर इन्वॉल्व दैट इज कॉम्प्लेक्स मोटर टिक्स एंड कॉम्प्लेक्स वोकल टिक्स में क्या होगा जो हम साउंड के लिए यूज करेंगे मोर देन वन मसल्स इन्वॉल्व वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड मैनी इंक्लूड्स रिपीटेशन ऑफ वट वॉज जस्ट हर्ड और सेड एंड सोशली इनअप्रोप्रिएट फ्रेजेस फॉर एग्जाम्पल इकोलेलिया इकोलेलिया में क्या करता है जो चिल्ड्रन है वो इमिटेट करता है साउंड को कोप्रोलेलिया कोप्रोलेलिया में क्या करेगा रिपीटिटिव जो साउंड है इनअप्रोप्रिएट वर्ड है एब्यूजिव वर्ड्स है उनको यूज करेगा पहली लिया पहली ले लिया, लिया में क्या करेगा इनवोल्ट्री रिपीटेशन होगा ऑफ वर्ड्स फ्रेजिज और सेंटेंसेस सो दीज आर टाइप्स ऑफ टिक्स वी विल कैटेगराइज एज सिंपल एंड मोटर सिंपल सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सिंपल के अंदर मोटर एंड वोकल एंड कॉम्प्लेक्स में ऑल्सो मोटर एंड वोकल वट इज द प्रीवलेंस ऑफ टिक्स इट इज अकेरिंग इन फोर टू फाइव पर टेन थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन बॉयज में मोर कॉमन एंड एज कंपेरिजन टू गर्ल्स onset of motor tics is 7 year and vocal tics is 11 year what can be the causes for tics the genetic factors may be there if there is twin history or ocd that is obsessive compulsive disorder or adhd that is attention deficit hyperactivity disorder neurochemical or neuroanatomical

मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सा टिक है आई ब्लिंकिंग टिक है एंड इट इज फॉलोड बाय हेड टिक एंड फेशियल तो व्हाट आर द प्रीड्रोमल सिम्टम्स दीज आर द इरिटेबिलिटी अटेंशन डिफिकल्टीज पुअर फ्रस्ट्रेशन टोलरेंस द चाइल्ड इज फ्रस्ट्रेटेड इरिटेबल क्यों अगेन एंड अगेन द चाइल्ड इज क्लियरिंग द थ्रोट और द चाइल्ड इज डूइंग आई ब्लिंकिंग सो इट मे लीड टू फ्रस्ट्रेशन इन टू द चिल्ड्रेन वट इज द असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट that the child is telling that I am doing eye blinking again and again or shoulder swinging or it is observed by the parents. History collection, if there is twin history, OCD, ADHD or the causes factors that should be assessed during history and medical examination to be performed. What is the management for tics? Most often it is reduction in severity and frequency with the

कुछ गंदी सेंसेशन फील होगी तो हम उसको क्या करेंगे चाइल्ड को करना उस टाइम पे कोई अदर एक्टिविटी करे सो दैट द सेंसेशन कैन बी अवॉइड रिलैक्सेशन थेरेपी टू बी टो टू द चाइल्ड सो दिस वाज रिलेटेड विद हैबिट डिसऑर्डर मेनली टिक्स वीडियो ऑन हैबिट डिसऑर्डर्स ऑन नेल बाइटिंग थम सकिंग ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स एंड एंडकोप्रेसिस हैज बीन अपलोडेड द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स go and watch full video enjoy the session okay thank you class have a good day thank you